अस्सलाम वालेकुम जी, सब लोगों को खुश आमदीद। मेरा नाम राना साजिद है। अब मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, एक दफ़ा फिर से आपसे मुलाकात हो रही है और कोशिश होगी, क्योंकि आप सब लोगों को पता है वर्ल्ड कप जारी था, जिसकी वजह से वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की जो कारकर्दगी रही और थ्रू आउट जो है हम इस चीज़ के साथ जो है वो जुड़े रहे। आप सब लोग भी यकीनन वर्ल्ड कप देख रहे होंगे और अब तो सेमीफाइनल्स और फाइनल्स रह चुके हैं। आप सब लोग ये भी मुझे बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि इस वर्ल्ड कप का टाइटल जो है कौन सी टीम अपने नाम करेगी, क्योंकि क्रिकेट लवर होने के नाते आप सब लोगों से ये क्वेश्चन पूछना भी मेरा बनता है। और जो सबसे अहम बात, जो सबसे ज़रूरी चीज़ थी, जिसकी वजह से आप लोग कमेंट्स भी कर रहे होते हैं और ये आपका प्यार है कि आप पूछते रहते हैं क्रिकेट ट्रायल के हवाले से, तो आज उसी के ऊपर जो है एक वीडियो लेके मैं हाजिर हुआ, ताकि क्रिकेट ट्रायल्स का जिसका बहुत देर से बड़ी शिद्दत से इंतज़ार किया जा रहा था, वो इंतज़ार अब ख़त्म हो चुका है। और कहते हैं बारिश का एक कतरा गिर चुका है और इसके बाद ये सिलसिला जो है वो आगे जारी होने वाला है, क्योंकि वर्ल्ड कप और जो जून का सीज़न, आपको पता है गर्मियाँ पाकिस्तान में शदीद तरीन गर्मी पड़ रही है इस वक्त, और मैं कहता हूँ ट्रायल की बात तो छोड़ दें, घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हुआ हुआ है। तो सब लोग ज़ाहिर गर्मी से मतलब निमट भी रहे होंगे, मेरी दुआ है कि सब लोग जो है खैरियत से भी रहे। तो जनाब, ट्रायल्स के हवाले से हमने गुफ्तगू करनी है और ये एक बड़ी अपडेट है, क्योंकि कश्मीर प्रीमियर लीग सीज़न 3 का आगाज़ होने जा रहा है और पहले इसके 2 सीज़न हुए थे, उसके बाद सिंध प्रीमियर लीग का एक सीज़न हुआ था, सिंध वाले उसके भी ट्रायल हुए थे, उसकी मैंने अपडेट आपके साथ शेयर की थी। तो अब कश्मीर प्रीमियर लीग सीज़न 3 का आगाज़ होने जा रहा है और उसके लिए एक दफ़ा फिर से तमाम जो कश्मीरी हैं उनके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप सब लोग जो हैं इस ट्रायल में अहल हैं, मतलब आप सब लोग ट्रायल दे सकते हैं। तो ट्रायल का जो है वो आगाज़ हो चुका है, ऐलान हो चुका है और इसका बाकायदा आगाज़ जो है वो होने जा रहा है 1 जुलाई 2024, इसकी जो है रजिस्ट्रेशन की लास्ट तारीख है और ऑनलाइन भी आप इसको रजिस्ट्रेशन जो है वो करवा सकते हैं। मैं लिंक भी इस वीडियो के जो है वो उसमें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और साथ ही साथ जिन व्हाट्सएप चैनल में मैं वो चीज़ें शेयर करता रहता हूँ वहाँ पे भी एक मैं लिंक शेयर कर दूंगा, ताकि वहाँ पे भी आप लोग जो है वो यूज़ कर सकें। तो व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से भी क्लिक करके आप व्हाट्सएप चैनल को जो है फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर आपको तमाम अपडेट्स मिल जाएंगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको डेट्स बता दूँ, रवाला कोट में, मुजफ़्फ़राबाद में और मीरपुर में ये ट्रायल होने जा रहे हैं। 3, 4 और 5 तारीख को ये ट्रायल होंगे, 3 तारीख को 4 तारीख को और 5 जुलाई को ये ट्रायल होंगे रावला कोट, मीरपुर और मुजफ्फ़राबाद में। तो इसका स्केड्यूल भी और स्केच भी जो है मैं ये शेयर कर रहा हूँ अपने व्हाट्सएप चैनल पे भी, लिंक इसमें डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ पे जाके देख सकते हैं ताकि आपको मज़ीद जो है वो आसानी हो सके। और सबसे अहम बात, ज़रूरी क्या कुछ है और आपने क्या कुछ लेके जाना है, क्योंकि ये सवाल होता है जो कि हमेशा पूछा जाता है। तो बेफाम CNSI, इनमें से किसी का पास जो भी है वो आप लेके जाएंगे, और लेके क्या जाना, आपने ऑनलाइन जहाँ अप्लाई करना, तो आपने ऑनलाइन इसको जो है वो फिल करना है, अपना नंबर लगाना है वहाँ पे बेफाम का, NIC का, और इसके बाद जो अपना डाटा फिल करना है और इसको सबमिट करवा दें, तो आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, आपको एक कोड आ जाएगा, आपको मैसेज आएगा, आपने वो कोड और मैसेज लेके जो है ट्रायल लोकेशन पर पहुँच रहे हैं ऑन द टाइम, और वहाँ पे जाके आप वहाँ की जो मैनेजमेंट होगी उसको आप दिखाएंगे, जो कोचेस जो ट्रेनर वहाँ पे ट्रायल ले रहे होंगे तो आप उनको दिखाएंगे, वो आपका जो है वहाँ पे ट्रायल लेंगे। तो ये तो इसका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हो गया। और सबसे अहम बात, ट्रायल के दौरान बहुत सी गलतियाँ ऐसी होती हैं जो हम लोग करते हैं, जिसकी वजह से हम सेलेक्ट नहीं हो पाते और हमें लगता है कि यार पता नहीं सिफारिशी लोग ही हैं, कहीं ना कहीं सिफारिश फिर भी चलती है, मैं इस चीज़ से कभी भी इनकार नहीं करता हूँ, लेकिन जो टैलेंट होता है ना उसको कभी जो है वो रद्द नहीं किया जा सकता, रोका नहीं जा सकता। तो इसलिए अगर आप वाकई में टैलेंटेड हैं, आप में इतना पोटेंशियल है, तो फिर आप ये चीज़ सोचना छोड़ दें कि यार वहाँ पे जो है सिर्फ सिफारिशी लोग जा रहे हैं तो हमारा कुछ नहीं बनेगा। तो ये चीज़ सबसे पहले आपने अपने माइंड से स्किप करनी है। और ट्रायल देने के लिए जब आप जाते हैं तो अगर आप बेटर हैं, फिर वही बात, किट आपकी अपनी हो, मुकम्मल हो, वो ज़्यादा बेस्ट होता है, कि आपको वहाँ पे भी चीज़ें मिल तो जाती हैं, लेकिन अपने बैठ से इंसान को कहते हैं, अगर ड्राइविंग कर रहे होते हैं आप अपनी गाड़ी पे बड़े कंफर्टेबल होते हैं, तो इसी तरह अगर आप बैटिंग कर रहे हैं अपनी बैट के साथ जाएंगे, अपनी किट के साथ जाएंगे, तो फिर आपको पता होगा यार ये मैंने रेगुलरली यूज़ कर रहा होता हूँ, तो आपको थोड़ा सा कम्फर्टेबल फील होगा। सबसे पहले तो ये चीज़ कि अपनी आपका किट बैग होना चाहिए, एक अच्छा अपने जो है वो ट्रैक सूट पहना हो, जॉगर्स हों आपके पास, तो फिर आपको जो है वो थोड़ा सा कम्फर्टेबल फील होगा। और सेकंड चीज़ जो हम लोग करते हैं मोस्टली, मैंने बहुत से बच्चों को देखा है कि वो ट्रायल के दौरान नर्वस हो जाते हैं, नर्वस इस सेंस में हो जाते हैं कि उनको लगता है यार ट्रायल में हर बॉल पे आपने हिट लगानी है,
मतलब हर बॉल पे आपने जो है वो एक बढ़ चढ़ के वो कदमों का इस्तेमाल करना है, शॉर्टिंग खेलनी है ऐसी ताकि पता लगे बड़े चौके छक्के मार रहा है, क्योंकि आजकल तो आपको पता ये ट्रेंड है चौकों छक्कों का और लोग यही देख रहे होते हैं। लेकिन ये कॉन्सेप्ट गलत है, मैं इससे एग्री नहीं करता, क्योंकि जो सिलेक्टर्स होते हैं वहाँ पे, जो कोचेज होते हैं वहाँ पे ना, वो एक चीज़ नोट कर रहे होते हैं, आपका जो स्टांस है, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, आपका जो खड़े होने का स्टाइल है, आपकी जो टेक्निक्स हैं, इसको सबसे ज़्यादा ऑब्जर्व किया जा रहा होता है कि वो आप कैसे कर रहे हैं। तो अगर तो आप हर मतलब बॉल को जिस तरह आप कह रहे हैं टेप बॉल की शक्ल में आप टुल्ले मारना शुरू कर देते हैं, शॉटें लगाना शुरू कर देते हैं, तो वो भी एक नेगेटिव संभल है कि आपके रेटिंग में चला जाएगा। तो आपने सबसे पहले टेक्निक्स और उसके ऊपर जो आके वो ये सारी चीज़ें करनी है, ताकि आपका जो इम्पैक्ट है, जो आपकी एक नेचुरल गेम है, बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो आपकी नेचुरल गेम है उसके ऊपर आप फोकस करें और वही खेलें। ये नहीं कि ट्रायल में जाएंगे आपको पता यार चार छः बॉलें मुझे मिलनी है और मैं हर बॉल को कदमों का इस्तेमाल करते हुए बढ़ के जो है क्रीज से निकल के चौके छक्के लगा दो, सिलेक्टर कहेंगे यार ये बंदा तो बड़ा हैवी है इसको सिलेक्ट कर लो, ऐसा नहीं होता। तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट आपने सबसे पहले क्लियर करना है। और इसी तरह फास्ट बॉलर के लिए भी लाइन ऑफ लेंथ बहुत मैटर करती है, स्पीड नॉट आउट अगर आपकी अच्छी है तो वो वेल एंड गुड, 140 प्लस है तो बहुत आला है, अदरवाइज अगर मीडियम पेसर भी हैं तो आपने अपनी जो है लाइन ऑफ लेंथ उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। मतलब यॉर्कर में जा रहे हैं, जोर लगा रहे हैं, फिर बाउंस कर रहे हैं तो वाइड बॉल हो रही है, मतलब सीधा आपका हाथ नहीं आ रहा, तो ये चीज़ें बाहर आपको छः बॉल्स मिल जाएंगे या दो ओवर मिल जाएंगे मैक्सिमम इतना है, क्योंकि रश ज़्यादा होता है तो कम आपको टाइम मिल रहा था, तो फिर आपके पास ये होता है कि यार मुझे तो सिलेक्टर ने बॉलें नहीं करवाने दी या मुझे ज़्यादा बॉलें खेलने नहीं दी, तो वो खेलने भी उसी को ज़्यादा दे रहे होते जिनको उनको समझ आ रही होती कि यार इसमें कुछ है तो इसको ज़रा लंबा चेक कर लें, दो ओवर तीन ओवर चेक भी कर लें। इसी तरह बॉलर के साथ भी यही मसला होता है, अगर दो बॉलिंग अगर फेंकेंगे उनको समझ लगे यार इसका तो एक्शन ही ठीक नहीं है, इसके तो बॉलिंग ग्रिप ही ठीक नहीं है, या वो रनअप ही ठीक नहीं है, या ये बॉल ही बिल्कुल मतलब इस तरह से कर रहा है, तो फिर वो सारी चीज़ें वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इसलिए सबसे पहले जो ये टेक्निक्स हैं इसके ऊपर आपने अमल करना है, ताकि वो चीज़ जो है वो पहले से अगर आपकी क्लियर होगी तो फिर आपके लिए आसानी होगी, ईजी होगा, आप जो है इस चीज़ को आसानी से कवर कर लेंगे। और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, बहुत से लोग ये मिस्टेक भी करते हैं कि जब जो ट्रायल हो रहे होते हैं जब या कोई इवेंट होता है तो फिर वो अपना सारा जो है वो फोकस जो है वो इसके ऊपर करते हैं कि सिफारिश ही चल रही होती है। तो मैंने ये चीज़ पहले ही क्लियर की कि सिफारिश नो डाउट कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है, लेकिन जो टैलेंट होता है वो स्किप नहीं हो सकता। अगर आप वाकई में टैलेंट हैं टैलेंटेड हैं, अगर आप पे पोटेंशियल है, तो फिर आप अपना फोकस, अपनी चीज़ें, अपना जो है वो पूरी तैयार करके जाएं, ताकि फिर आपको जो है वो आसानी से सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो इस दफ़ा मेरी ये उम्मीद है, मेरी ये ख्वाहिश है कि आप लोग जितने भी ट्रायल देने के लिए जाएँ सेलेक्ट हों, और KPL कश्मीर प्रीमियर लीग सीज़न जो 3 आ रहा है उसकी अनाउंसमेंट भी बहुत जल्दी होने वाली है, और ये कश्मीर में रहने वाले जितने भी लड़के हैं उनके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि PSL के बाद जो लीग पाकिस्तान में चल रही थी वो KPL थी। इसमें बहुत से प्लेयर ऐसे सामने आए जिन्होंने पाकिस्तान जो है PSL भी खेला, और फिर उसके बाद जो पाकिस्तान टीम तक भी उनके जो है रस्ते हमवार हुए। तो आप लोगों ने इस ट्रायल को मिस नहीं करना, मेरी बेस्ट विशेज़ आपके साथ हैं। अपडेट्स के लिए अपने हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, शेयर भी करना है, लाइक भी करना, कमेंट्स लाजमी करने हैं, और व्हाट्सअप चैनल पे आप मुझे ये तमाम तर जो डिटेल्स हैं मैं शेयर करने वाला हूँ, आपने वहाँ पर भी जो है ज्वाइन करना है। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होती है, इजाज़त है, अल्लाह हाफिज़।